हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल द स्टोरीज किड्स। आई एम बैक विथ अ न्यू वीडियो। टुडे वी विल टॉक अबाउट अ डिफरेंट टॉपिक, टैक्सेशन, इन विच वी विल डिस्कस सैलरी इनकम। बिफोर गोइंग टू द प्रैक्टिकल सम्स, वी विल टेक सम इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड इन विच टुडे वी विल डू इंट्रोडक्शन टू अलाउंसेस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, if you are a new viewer on the channel, don't forget to press the subscribe button and also press the bell icon and share it to all your friends. So let's start our video. Now what is an allowance? An employee is paid certain allowances in addition to the basic salary. They are paid to meet special circumstances by nature of employment. The allowance may be paid to employee to compensate him or her against the high cost of living in a certain place, or compensation against rising price in economy. In simple words, allowance is a sum of money paid to an employee to compensate against expenses related to employment. Now, प्रैक्टिकल सम्स करने से पहले हम उसके कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट्स हम देखेंगे, जिसमें से एक है अलाउंसेस। सैलरी इनकम का जो चैप्टर है वो अलाउंसेस पे काफ़ी बेस्ड है। हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा अलाउंस कितने लिमिट या कितने एक्सटेंट तक टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। सो उससे पहले हम यू ऑल आर नोइंग दैट व्हाट इज़ अलाउंस, बट वी विल जस्ट टेक द मीनिंग पार्ट एंड देन वी विल मूव टू द टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। अलाउंस वो है कि एक एम्प्लॉयर है या एक बिजनेसमैन है कि जो अपने एम्प्लॉयज़ को एक सम ऑफ मनी देता है, शायद ऑन मंथली बेसिस पे या ऑन अगर कुछ वो ट्रिप कर रहे हैं, अगर उसके एम्प्लॉयज़ बिजनेस ट्रिप, तो वो बिजनेस ट्रिप के पहले उन्हें देगा। और ये मनी वो किस में यूज़ करेंगे, तो उसी में यूज़ करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट में उन्हें जो काम करने भेजा गया है उसी काम में उसे यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए उसे जो पैसे मिलते हैं एम्प्लॉय को, उसे कहते हैं अलाउंस। ये अलाउंस वो भी हो सकता है कि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सर्टेन प्लेसेस, उससे कॉप अप करने के लिए। शायद एक कंपनी है, उसकी ब्रांच अहमदाबाद में है और उसे उसकी सेकेंड ब्रांच मुंबई में खोलनी है, तो उसके जो एम्प्लॉयज़ वो कुछ एक आध दो एम्प्लॉयज़ वो ज़्यादातर वो मुंबई से ही लेगा, लेकिन जो एक आध दो अहमदाबाद से भेजेगा उनको वो हाउस रेंट अलाउंस देगा, वहाँ पे रहने का जो खर्च है वो देगा। वहाँ पे फिर DNS अलाउंस होगा कि जिसे गुजराती में मोहंगवारी बत्थू बोलते हैं, वो देगा, ताकि वो जो हाई सिटीज़ के जो एक्सपेंसेस है एक्सपेंडिचर, उससे वो कॉप अप कर पाए। इन सिंपल वर्ड्स, अलाउंस इज़ यू कैन से लंप सम मनी और अ सम ऑफ अ मनी पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। क्यों दिया जाता है? तो उसे कंपनसेट करने के लिए अगेंस्ट एक्सपेंसेस। तो कौन से एक्सपेंसेस? तो वो एक्सपेंसेस जो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस, या आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए हो रही कोई खर्च के लिए उसे कॉप अप करने के लिए उसे हेल्प रहे, एम्प्लॉय को सब फेस ना करना पड़े एक्सपेंडिचर, उसके लिए प्रोवाइड करे, उसे कहते हैं अलाउंस। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, क्लासिफिकेशन। द अलाउंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट, द अलाउंस विच आर फुल्ली टैक्सेबल। तीन अलाउंसेस के पार्ट हम रफली उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, फिर है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, और जो थर्ड लास्ट है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड। फुल्ली टैक्सेबल मतलब उसके उस पर पूरा पूरा टैक्स लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया DNS अलाउंस, फिर हो गया सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, हमने जो पहले दो एग्ज़ाम्पल देखे कि कोई हाई सिटी में जाता है या मॉडर्न सिटी में या मेट्रो सिटी में, एक सिंपल या लो लोकेलिटी सिटी से, तो उसकी जो एक्सपेंसेस है वो फेस करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सिटी कंपनसेटरी अलाउंस देगा। और अगर खर्चे और महंगवारी वहाँ पर ज़्यादा है तो DNS अलाउंस भी उसे देगा। तो ये दोनों अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। फिर है पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, उसमें हो गया हाउस रेंट अलाउंस एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस। फिर है फुल्ली एग्जेम्प्टेड, जो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। ये पार्टली टैक्सेबल में कि एक एक्सटेंट है कि हमें कुछ प्रोविजंस दिए हैं
उन प्रोविजंस में से जो सबसे कम अमाउंट हो उस एक्सटेंट तक ही हमें एग्जेम्प्ट करना है, बाकी सारी टैक्सेबल होगी अलाउंस। द अलाउंस विच आर फुल्ली टैक्सेबल सॉरी एग्जेम्प्टेड वो है फॉरेन अलाउंस और ट्रैवल कंसेशन। ट्रैवल कंसेशन मीन्स ITC जो सॉरी LTC लीज ट्रैवल कंसेशन उसका जो पूरा नेम है वो है। और फॉरेन अलाउंस मीन्स अगर कोई आपका एम्प्लॉय फॉरेन क्या ट्रिप पे है या कुछ बिजनेस ट्रिप पे है तो उसके लिए जो अलाउंस मिलता है वो फॉरेन अलाउंस। नाउ लेट अस सी द सम काइंड ऑफ अलाउंसेस। सम नंबर वन, टुडे वी विल टेक 7 or 8 अलाउंसेस। वी विल नॉट टेकिंग मच मोर देन बिकॉज इट माइट बी कन्फ्यूजिंग टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट। द फर्स्ट इज DNS अलाउंस। DNS अलाउंस इज अगर मैं आपको सीधे एक्सप्लेन करूँ तो जो महंगाई के सामने किसी एम्प्लॉय को अमाउंट या कुछ पैसे दिए जाते हैं एम्प्लॉयर द्वारा उसे कहते हैं DNS अलाउंस। इट इज़ पेड टू कंपनसेट द एम्प्लॉय अगेंस्ट जनरल प्राइस राइज इन द इकोनॉमी। सिंपली इट इज़ गिवन टू फेस द इन्फ्लेशन। जो जनरल प्राइस राइज है इकोनॉमी में उसे फेस करने के लिए, जो इन्फ्लेशन है उसे फेस करने के लिए एम्प्लॉय को ये अलाउंस दिया जाता है जो इसे कहते हैं DNS अलाउंस। सेकेंड इज सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। द सिटी कंपनसेटरी अलाउंस इज ग्रांटेड टू एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन बिग सिटीज। कंपनसेट दैम सो दैट दे कैन मीट द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ लिविंग। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस इज वॉट अगर आपका एक एम्प्लॉय, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, अगर आपका एक एम्प्लॉय है कोई बिग सिटी में मेट्रो सिटी में उसकी जो आपकी ब्रांच हैंडल कर रहा है तो उसे जो वहाँ पर खर्चे होंगे उसको फेस करने के लिए उसे जो अलाउंस दिया जाएगा उसे कहेंगे हम सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। थर्ड इज़ मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस इज गिवन एट अ फिक्स रेट एंड इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉय। सॉरी मेडिकल अलाउंस जो है वो एक फिक्स रेट पे दिया जाता है कि सपोज यू कैन से 800 पर मंथ और 600 पर मंथ और फुल्ली टैक्सेबल है दोनों के लिए। दोनों काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज मीन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है दोनों के लिए। नाउ मूव टू द फोर्थ नंबर, हाउस रेंट अलाउंस। इट इज़ अ बिट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज यू विल गेट मैनी ऑफ सम्स इन योर टेक्स्ट बुक। हाउस रेंट अलाउंस इज पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय टू हेल्प हिम टू मीट द एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड ऑन पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ हिज हाउस विच ही इज़ यूजिंग ड्यूरिंग द जॉब। इस टाइम पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है हाउस रेंट अलाउंस की वो मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बुकिश वर्ड्स मैंने नहीं लिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके। सो व्हाट इज़ हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस वो चीज़ है कि जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है कि जो एम्प्लॉय एक रेंट वाले हाउस में रह रहा है, रेंटल हाउस में कोई दूसरी सिटी में रह रहा है या हमने किसी और सिटी से एक एम्प्लॉय को बुलाया है तो वो जो घर में रहेगा रेंटल में, रेंट वाले घर में, उसे हम पक्का घर तो तुरंत देंगे नहीं, कुछ महीने 7-8 महीने या 12 महीने शायद वो रेंट वाले हाउस में रहे तो उस रेंट वाले हाउस को जो एक्सपेंडिचर है वो अकेला एम्प्लॉय फेस नहीं करेगा, एम्प्लॉयर भी फेस करेगा। इसलिए एम्प्लॉयर उसे जो अलाउंस देता है एम्प्लॉय को उसे कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। क्यों? तो उसके नाम में ही हाउस रेंट अलाउंस, तो जो रेंट एक्सपेंडिचर है उसे फेस करने के लिए कि जो वो एम्प्लॉयमेंट या ड्यूरिंग द जॉब वो हाउस को यूज़ कर रहा है वो। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(13A) एंड रूल 2A द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग सम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। सो हमने देखा इट इज़ अ पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। हमने सबसे पहले हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि इट इज़ अ पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। तो हमें ये दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(13A) एंड रूल 2A जो तीन हमें जो नंबर्स दिए हैं नीचे उनमें से जो जिसका भी सम सबसे कम होगा उसे हमें एक्सेम्प्ट करना है। ना वो कौन से तीन हैं तो हमें फर्स्ट निकालना होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय एज HRA हाउस रेंट अलाउंस। जो एक्चुअल अमाउंट है वो लेनी पड़ेगी कि जो उसे एम्प्लॉयर ने दी है। फिर सेकंड इज़ व्हाट डिफरेंस मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो सेकंड इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अमाउंट एंड 10% ऑफ हिज सैलरी।
उसे आप फॉर्मूला में लिखें तो वो होगा कि एक्चुअल अमाउंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, आपका जो डिफरेंस होगा वो होगा अपना जो सेकंड नंबर वाला प्रोविजन है वो। फिर है थर्ड नंबर, एन अमाउंट इक्वल टू 40% ऑफ सैलरी। थर्ड जो प्रोविज़न है वो हमें जो सैलरी एम्प्लॉय को दी गई है कि जो जिसे हमें हाउस रेंट अलाउंस देना है उसकी 40% सैलरी लेनी है। सपोज़ उसकी सैलरी है 10,000 तो उसकी 40% होगी 4,000, तो हमें जो थर्ड नंबर है वो हमें 4,000 लेना है प्रोविज़न थर्ड नंबर वाला। लेकिन इसके नीचे एक छोटी सी नोट है, इन केस इफ़ हाउस इज सिचुएटेड इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, देन द अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ सैलरी। ये हमने जो 40% ऑफ सैलरी ली है ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल सिटीज़ के लिए, स्मॉल और मीडियम सिटीज़ के लिए। ये जो मेट्रो सिटीज़ है जैसे हो गए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और शायद एक आध दो और ऐड होगी शायद न्यू शेड्यूल्स के तौर पर, लेकिन ये चार अगर आपको सम में दी हो कि इफ़ द एम्प्लॉयज इज सिचुएटेड आर वर्किंग स्टेइंग एंड वर्किंग इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, अगर ये चार में से कोई भी एक सिटी आपको दी हो तो जो थर्ड नंबर वाला प्रोविज़न है कि जिसमें हम 40% ऑफ सैलरी ले रहे हैं उसमें आपको 50% ऑफ सैलरी लेनी है। फिर ये तीनों चीज़ें, तीनों प्रोविजन्स एक दो तीन कंप्लीट करने के बाद इनमें से जिसकी भी अमाउंट कम आए, सपोज़ के एक्चुअल जो रिसीव्ड है वो 10,000, फिर सेकंड नंबर वाला जो एक्चुअल अमाउंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी वो हमें आ रहा है 9,000, ये सपोज़ फॉर एग्जाम्पल फिगर्स हैं, एक्चुअल फिगर्स नहीं है, एन अमाउंट इक्वल टू 40% ऑफ सैलरी, तो थर्ड नंबर है वो ये 4,000 आ रहा है, तो हम लेंगे 4,000 एग्जेम्प्ट करेंगे। तो किस में से एग्जेम्प्ट करेंगे कि जो हमें एक्चुअल दिया गया, एक्चुअल हमें शायद 10,000 दिया है, तो 10,000 में से 4,000 हम एग्जेम्प्ट करेंगे, सो द टैक्सेबल HRA विल बी 6,000। वी विल टेक डिटेल सम्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट डीपली। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें दो टाइप के हैं, हियर आई हैव फॉरगॉट टू राइट सेकंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। फर्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। नाउ द एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड एज पर द फॉलोइंग एक्सटेंट। इसमें भी हमने जैसे हाउस रेंट अलाउंस में किया वैसे हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस में भी करना है। फर्स्ट 5,000 रुपीज़ हम लेंगे, द प्रोविजन विल बी 5,000 रुपीज़। देन आफ्टर 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, जो उसे सैलरी दी है उसका हम 1/5 निकालेंगे। देन आफ्टर थर्ड प्रोविज़न क्या होगा हमारा कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कि जो एक्चुअल अमाउंट उसे दी है वो लेंगे। इन तीनों में से जो भी कम होगी, सपोज़ 5,000 रुपीज़ कम हो सकता है या 1/5 सैलरी कम हो सकती है या एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कम हो सकता है, तो इनमें से जो भी कम होगा वो हम लेंगे और जो अलाउंस उसे दिया गया उसमें से डिडक्ट करेंगे, और जो आंसर हमें मिलेगा डिडक्शन के बाद वो होगा टैक्सेबल एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ एम्प्लॉय। नाउ सिक्स इज इसमें जो सेकंड पार्ट है, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इट इज़ टैक्सेबल टू एन एक्सटेंट कि जैसे हमने देखा, लेकिन फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। सिक्स नंबर इज एजुकेशन अलाउंस, द एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ 100 पर मंथ, रुपीज़ 100 पर मंथ फॉर चिल्ड्रन अप टू अ मैक्स लिमिट ऑफ 2 चिल्ड्रंस। एजुकेशन अलाउंस है वो पर मंथ 100 रुपीज़ का जो हमें दिया जाता है महत्तम मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस के लिए। अगर कोई एम्प्लॉयर है और उसके एम्प्लॉयज़ को एजुकेशन अलाउंस देना है तो उसके शायद उसे 3 चिल्ड्रन होंगे, लेकिन उसे जो अलाउंस मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही चिल्ड्रंस का मिलेगा। वो कितना मिलेगा? 100 रुपीज़ पर मंथ, तो एक साल का हुआ 1200 पर एनम। फिफ्थ सेवन्थ है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, 300 रुपीज़ पर मंथ फॉर अ चिल्ड्रन अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2 चिल्ड्रन। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ पर मंथ था, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है 300 रुपीज़ पर मंथ, वही सेम पर मंथ है और 2 चिल्ड्रंस की जो है वो लिमिट है। सो गाइज, यही कुछ था आज का वीडियो। हमने सिर्फ और सिर्फ 7 ही अलाउंस लिए हैं और दूसरे जो 7 है मे बी इट विल बी इट इज़ 16 के 17 के आसपास है, और आगे के जो टॉपिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ फ्री अकोमोडेशन हो गई, फिर कार फैसिलिटी हो गया, ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट है।
ऐसा भी हो सकता है कि मैं मेन मेन अलाउंस ले लूँ, शायद 4 के 5 ऐसे मेन अलाउंस, और ऐसा भी हो सकता है उससे ज़्यादा अलाउंस भी लूँ। लेकिन टुडे वी आर कंप्लीटिंग अवर वीडियो विद दिस 7 अलाउंसेस। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, आपको पता चला होगा कि मैंने जो अलाउंसेस आपको एक्सप्लेन किए। एंड फिर से मैं यही कहूँगा, इफ़ यू आर ए न्यू व्यूअर ऑन द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न एंड रीड विद द स्टूडियस किड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।